बिग बॉस के घर में दोस्तों आपको बता दे छिड़ चुकी है बहस एलवेश यादव अविनाश के पास जाकर बोलते हैं भाई घर वालों से माफ़ी मांगना चाहोगे आपसे गलती हुई है आपकी वजह से घर में खाना नहीं आया तो अविनाश मुकर जाते हैं और कहते हैं मैं तो माफ़ी नहीं मांग रहा मेरी कोई गलती नहीं है तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एल्बेश यादव बड़े ही प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमसे जो गलती हुई है उससे माफ़ी तुम्हें मांग लेनी चाहिए लेकिन दोस्तों अविनाश यहाँ सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे फिर फुकरा इंसान भी वहाँ पर आकर धावा बोल देते हैं और अविनाश को एक बार फिर से सुना देते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है सच में तुम्हें माफ़ी भी नहीं मांगनी आती छोटे नहीं हो जाओगे तुमने घर वालों का खाना छीना है एक टास्क कर लेते तो खाना मिल जाता क्या शर्म आती है तुम्हें ऐसा करने में पे जात हदीद भी आ जाते हैं जात को भी दोस्तों इंग्लिश में फटकार लगा देते हैं अभिषेक मलान और कहते हैं तुम्हें भी बस यही यही दिखता है सही का साथ देना सीखो भरद ब्रद्रदर हर कहीं दोस्ती मत निभाओ जो गलत होता है वो गलत होता है अगर एक बार जोकर की कैप पहनने से घर में खाना आ जाता तो ये बंदा छोटा नहीं हो जाता बल्कि रिस्पेक्ट ही बढ़ती ना बाद में अगर मैं गलत होता तो बिग बॉस मुझे अपने आप बोल देते कि ये जोकर नहीं है लेकिन इस बंदे ने सब घर का खाना छीन लिया लेकिन दोस्तों अविनाश बदतमी भी उतर जाते और कहते तुम लोगों में अक्ल नहीं है तुम लोग मेरे ओपिनियंस को समझते नहीं हो तुम लोगों में दिमाग नहीं है अकल तुम्हारे घुटनों में तो यहाँ पे एलविश को भी गुस्सा आ जाता है और एलविश उन्हें सुना देते हैं कि सारी अक्ल आप में है ना अब आपसे इज्जत से बात कर रहे हैं तो आपको इज्जत त्रास नहीं आ रही है आप चाहते हो हम भी आपको कुछ बोले तो अब आप भूल जाओ क्योंकि हमने हमारी ज़ुबान तो सुधार और आपकी जो ये हरकत है ना खाना छीनने की वो बहुत ही गंदी है खाना सबसे बड़ा चीज़ होती है और अगर आपकी वजह से घर में खाना आता तो बहुत बड़ी बात होती और सबसे गंदी चीज़ ये है कि आपको उस चीज़ को लेकर दिल में माफ़ी भी नहीं है ऐसे नहीं कि लोगों से माफ़ी मांग ले लेकिन अविनाश दोस्तों अपनी बदतमीजी छोड़ते नहीं है और एलविश यादव के भी औकात पे आ जाते हैं फिर एलविश का माता सनक जाता है और बहुत टाइम से वो अपनी जुबान पे कंट्रोल रखे हुए हैं और वो फिर बोल देते हैं तू जैसे आंडू पांडू को मैं भाई घर पे पालता भी नहीं हूँ कौन है तू तेरी औकात क्या है मेरी औकात पर मता तेरे जैसों को मैं छत्तीस जिमा दूंगा ऐसे करके दोस्तों पूरी तरीके से यहाँ पर अविनाश की अब क्या कर ले ली है लाइफ फीड में बहुत ही घमासान हो रहा है और अब एलविश भी फट गए हैं और अविनाश की बिल्कुल थूथू कर दी अलवेश का गुस्सा इतना तेज है कि उन्होंने बोल दिया बेटा तू बाहर मिल लियो तब तेरे को सारी औकात मैं मेरी दिखा दूंगा तुझ जैसे को मैं पालता भी नहीं हूँ साले तुझ जैसे को मुंह भी ना लगाऊं तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गए हैं अविनाश और कह रहे तू आ गया ना फिर से अपनी औकात पे और दे रहा है ना धमकियां तो एलवेश यादव कहता है लेकिन तेरे जैसे को यही भाषा समझ में आती है भाई भाई करके बात कर रहा हूँ साला औकात पे जा रहा है घुसन मार दूंगा साले मर बुरा जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों अविनाश को बहुत बुरी धमकी दे दी है एलवेश यादव ने और कहा है कि वो बचेगा नहीं उनके हाथ से अगर बाहर दिख भी गया तो क्योंकि औकात पे जाना नहीं राव साहब का गुस्सा तूने देखा नहीं आपको क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो